बोलो सिद्ध बाबा की जय। अंगूठी है ना मेन, तो मेरे कपड़े अंगूठी है मेन, तो गर्दन है गर्दन, इसे निकाल लेते हैं ना। चलो भैया फटाफट चलते हैं, वहां से बुलावा आ गया है। तो भाई यहाँ पे लोग आ चुके हैं सारे के सारे। मैं कह रहा था कि रेडी हो ना आप लोग। पता नहीं मम्मी तो पूजा कर रही, क्या हुआ? हम जल्दी उठ गए, हमने सब रेडी हो गए, अब आप लोगों को कर रहे तो इसलिए पूछ रहा था मैं, हो ना रेडी आप लोग? चल आ जाना तू, सामान रखना है ना, बस वही तो बोल रहा हूँ, सिर्फ ये होना चाहिए सामान। हाँ ठीक है, आज हम रेडी हो चुके हैं तो हमें भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। वो जमीन लग गई भाई यहाँ तो, भाई साहब क्या खतरनाक हो रही। आप सभी को नमस्कार, स्विशेस फैलो यूट्यूब चैनल में। तो आज है 12 अक्टूबर और फिलहाल अभी पैकिंग हो रही है गाड़ी के अंदर, पैकिंग गाड़ी के अंदर सारा सामान डाला जा रहा है। रुजा 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 रुजा, खड़ा करके डालना है रुजा से। हाँ ठीक है, आपने अर्श से, ये मिठाई है यार वो उधर से। ओ भाई मारिए, तो काफी आगे पीछे साइड में ऊपर नीचे करके है, ड्रोन रख दे वहां, रख दे सारा सामान फिट हो गया। सारा तो नहीं फिट हुआ, अभी तो एक दो बैग बचे हैं, लेकिन वो अपने कपड़े वाले हैं पर्सनल, तो जिन जिन के हैं वो अपने गोद में पकड़ लेंगे। उसके शूज और मेरे शूज वाला डब्बा कहाँ है? वो रखा रखा है ना, सब साथ ही तो रखे थे वो। बाकी मेरे कपड़े आ गए हैं और अंगूठी है ना मेन, तो मेरे कपड़े अंगूठी है। हाँ रखे हैं तो पता नहीं भाई, बाकी चीजें तो चलो इधर उधर हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो सिद्ध बाबा की जय, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता दी, जय गुरु बाबा की। क्या टाइम हो रहा है जरा? 6 बज चुके हैं। नहीं 6 से कितने मिनट ऊपर हुए? 6:10 हो गए होंगे, 6:15। 6:11 टू बी प्रिसाइज, 6:11 पे गेट खुल चुका है जो हमारी कॉलोनी का गेट है। अब देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। एस्टिमेट टाइम है मेरा 10:11। तो वैसे तो रुकने का प्लान बनाया नहीं था कहीं रास्ते में, लेकिन अभी कोटद्वार और गाजियाबाद के बीच में मिर्ज़ापुर पड़ता है क्या ये मैं भूल गया नाम, मीरापुर पड़ता है। तो मीरापुर पर रुके थे हम हल्के होने के लिए, फिर पापा ने बोला चलो चाय भी पी लेते हैं। पापा को पता नहीं चाय इतनी देर हो रही चाय पीने के, अब मेरे को अल्लाह करेंगे। अब आज टाइम है ना, तो इसलिए चाय भी पी लेते हैं, वरना अगर मैं बोल देता ना कि जरा कुछ खाने का मन कर रहा है चलो सीधा, कोई नहीं है, लेकिन अभी खुद मन कर रहा है शायद चाय पीने का मैंने। और बाकी जैसे किसी की भी सगाई या शादी होती थी ना, तो मैं हर समय पूछता नहीं था उनसे कि और कैसा लग रहा है, हैं क्या एक्साइटमेंट है क्या है। तेरे से बेचारे से कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा, इसलिए मैं खुद ही अपने आप ही जवाब दे देता हूँ कि जैसे हर कोई यही बोलता है कि हाँ नॉर्मल है ये है वो है, तो सच में नॉर्मल ही है, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि अलग चीज़ है। वो तो जब कपड़े पहन लेंगे, ड्रेस पहन लेंगे, उसके बाद वो स्टेज पर खड़े होंगे तब शायद थोड़ा वो लगे, जब यहाँ पे 10-15 लोग खड़े हुए हैं, मतलब 10-15 तो नहीं ज्यादा ही होंगे, नहीं फिर वो 40-50 लोग वो आपको ही मतलब देखते देख रहे हैं, सब आप, मतलब सबकी नजर आप में है, कैमरे आप में है, तब लगता है वो अजीब सा। अब पहले मैं कार्टून तो नहीं लग रहे, अब पहले मैं ये सोच रहा था ना कि व्लॉग में आराम से बना लूंगा क्या दिक्कत है, लेकिन अब मेरे को जैसे जैसे वहाँ जा रहा हूँ ना, तुमको तब लग रहा है की अगर मैं वहाँ स्टेज में खड़ा रहूंगा तो मैं बोलूंगा कैसे, जब वो सारे के सारे ऐसे वो 40-50 लोग देख रहे होंगे और कैमरा कैसे नहीं मतलब हाथ पे पड़ूंगा। अब लग रहा है मुझे ये वाला डर, मतलब ब्लॉगिंग वाला डर कि वहाँ खड़े होकर मैं क्या बोलूँगा कैसे बोलूँगा इतने सारे लोग जब देख रहे होंगे। बाकी लोगों से तो जब पर्सनली बात करनी होगी तो मैं कर लूँगा आराम से। तो 15 मिनट यहाँ पे लग गए हमारे चाय पीने में, तो जो मैं 10:11 बोल रहा था वो अब हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए। हाँ बढ़ जाए, फिर मेरे लिए बोलोगे कि तैयार नहीं हुई, तैयार नहीं हुई। मम्मी को हो रही टेंशन, आज पहली बार लगेगा, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी लो, ये मम्मी बोल रही है। पापा मेरे को गुस्सा, तैयार नहीं होने देंगे ना मुझे इसलिए। ओ तो आपका अलग कमरा देंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप?
अपना चैन से होना तैयार। इसलिए जो होटल कर रखा ना मैंने वो बिल्कुल जो बैंक्वेट है वहीं उसके जो हॉल है उसके सामने ही कर रखा कि जिससे दिक्कत ना हो। आप पैदल भी आ सकते हो, अगर हम चले गए ना तो आप पैदल भी आ सकते हो, आपको किसी के भरोसे रहना नहीं पड़ेगा, है ना। दस ग्यारह का टाइम लेके चला था मैं और 15 मिनट हमने खाया भी था, लेकिन तभी भी 10 मिनट पहले पहुँचे हैं जबकि हमें 10:30 बजे लगभग पहुँचना चाहिए था कायदे से, लेकिन वीकेंड है तो इसलिए ट्रैफिक भी नहीं मिला आज गाज़ियाबाद में हमें, जो हाईवे था तो सारी रोड क्लियर मिली। ऐसे से शीशे में देख के लगाना। अरे आप बता दो ना ऐसे। डार्क सर्कल हट जाएंगे ऐसे, जो कि है नहीं मेरे। नाक नाक साइडों में भी लगा। साइड मतलब इधर इधर। हाँ आप ऐसे कर दो। हाँ नहीं नहीं तो? नहीं मेन तो गर्दन है, गर्दन हाँ, इसे निकाल लेते हैं ना। अरे आप पहले बताओ कैसे। हाँ, अब ऐसे से करो। नहीं ना? नहीं ये इससे कर ले यार, इससे यार आपके लगा रखा हुआ। कोई बात नहीं, मेरे मेरे फेस में नहीं है, दाने तेरे ही है, दाढ़ी में नहीं। मुंह बंद रख, तुम ऐसे कर रहे हो ना। हाँ टाइट रख मुंह, अपनी उंगली मेरी आंख में घुसा देना प्लीज। नहीं मिलाऊंगा, बस ले हाथ में पाउडर ले। अब ये क्या, मैं पाउडर वाउडर नहीं लगा रहा मैं ना। तो अभी रेडी हो चुका हूँ मैं और बाकी दोस्त लोग भी आ रहे हैं अभी, तो उन्हीं का वेट कर रहा हूँ मैं। तो भाई यहाँ पे लोग आ चुके हैं सारे के सारे, क्या बात है भाई। बाय पहले कैसा भाई, बढ़िया। मैं बढ़िया, तू बता तू कैसा है भाई। बढ़िया बढ़िया यार, और करिश्मा सब ठीक। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू भाई, नंबर आ गया तेरा। अब आ गया सार्थक के बाद, अब मेरा भी नंबर लग गया है। और यहाँ पे एक इंसान और है यहाँ पे जो अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल। अरे मतलब लगा नहीं था कि तू आएगा यार, इतनी दूर से आप कर रहा था ना यहां तक मिल गया ना यार, मतलब आ गया पर तो यार अच्छी बात है। तूने बोल नहीं है अपने लिए इसलिए आया है। हां मुझे लग रहा है वेन्यू में तो ढूंढेगा किसी को, है ना। ऐसे सोच के तूने आया था, बट अगर सुयश बोल रहा है तो शायद ढूंढ ले। चल ठीक है, अभी चलो चलो फिर आ जाओ, है ना। चलो भैया फटाफट चलते हैं, वहां से बुलावा आ गया है। मम्मी पापा सब रेडी हो चुके हैं, मम्मी यहां रेडी हो चुकी है, चाची भी यहां पीछे है, अभी दिखाता हूं बाद में। हैं शूज पहनता हूँ थोड़ी देर में, पहुंच जाए पहले वहां। जरा पापा को कॉल आ रहा लगातार क्योंकि पापा पहुंच। चश्मा पहन एटीट्यूड में, एटीट्यूड में ये वाह। चल 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 अब एक एक करके हट जाओ, हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा। हेलो करो, हेलो करो कैमरे में, हेलो करो। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।